हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट सेशन में हमने गोल्ड को बंद होते देखा 49,144 पे, लगभग 160 रुपीज़ गेन के साथ। तो यहाँ जो है, तो आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट पे गोल्ड अभी लगभग 3% अप ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ, और लगभग हम ऑलरेडी 1500 रुपये रैली कर चुके हैं इस महीने में ड्यू टू रिस्क ऑन ट्रेड इन गोल्ड, जो यूएस और रशिया के बीच में टेंशन है यूक्रेन को लेकर, उसकी वजह से यहाँ जो है तो अच्छे खासी बाइंग देखने को मिल रही है नीचे से। और हम जो है तो फाइनली 48,500 के लेवल के ऊपर जो है तो सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ मंथली चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि इस टेंशन की वजह से एक गोल्ड में स्पाइक आ सकता है, जो गोल्ड को लेकर जा सकता है 51,500-600 के लेवल की तरफ। तो यही पिक्चर अभी दिख रहा है, और ये जो लेवल है ये आने वाले एक दो महीने में हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि गोल्ड ने जो है तो लगभग पिवट के अराउंड जो है तो कंसल्टेशन करने के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया है। पिछले लगभग 10-12 हफ्ते का जो हाई था उसके ऊपर हम सक्सेसफुली वीकली बेसिस पे क्लोज कर पाए, और यहाँ जो है तो फ्रेश बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे, जिसका टारगेट रहेगा लगभग 50,900 तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। कंजर्वेटिव टारगेट पकड़ के चलिए अराउंड 51,000 के अराउंड जो है तो हमें आने वाले 2-4 हफ्तों में गोल्ड दिखाई दे सकता है। मगर यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहेगी, थोड़ा सा रिस्क जो है, रेंज बड़ी रहेगी तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से स्टॉप लॉस जो है तो डीपर रखने पड़ेंगे। इसीलिए जो छोटे ट्रेडर है वो मिनी में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर माइक्रो में, तो उसको एक्युमुलेट करके आप उसमें पैसा बना सकते हो। मगर अभी जो लग रहा है तो मंथली और वीकली चार्ट जो है तो सजेस्ट कर रहा है कि हम 51,000 प्लस के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट लगभग 5 दिन से है गोल्ड जो है तो कंटिन्यूस पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। ये जो है तो ये शायद गोल्ड को पता है कि ये जो वार है ये अनअवॉइडेबल है शायद उसके वजह से, और वहाँ जो है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यूएस और रशिया के बीच में। वॉर तो फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा, मगर शायद उस रिस्क को फैक्टरिंग कर रहा है गोल्ड। और यहाँ जो है तो हम जो है तो ऊपर के लेवल देख रहे हैं। यहाँ गोल्ड ने जो उसके स्विंग टारगेट थे वो दोनों अचीव कर लिए, लगभग 48,500, उसके बाद में 48,900 का, अभी जो बचा है वो 49,550 का है, तो वो अगले हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड जो है तो 48,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 49,550 के टारगेट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। मगर यहाँ जो दिक्कत है, मैंने जैसे कहा यहाँ थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि हम जो है तो अभी एवरेजेस से बहुत दूर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा वोलेटाइल एनवायरमेंट रह सकता है। तो जिन्हें वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती है उन्हें सलाह रहेगी कि दूर रहिए, बाकी या फिर आप जो है तो माइक्रो और मिनी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको ईजी पड़ेगा एक्युमुलेशन करने के लिए। तो यहाँ मेरा बाइंग जोन रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा जोन है, मगर इसमें आपको एक्युमुलेट करना चाहिए 48,900 से लेकर 500 के बीच में हम जो है तो एक्युमुलेट करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा गोल्ड के लिए वो रहेगा 49,550, उसके बाद में जो है तो 50,900 के टारगेट हम पकड़ के चलेंगे आने वाले 2-4 हफ्तों के लिए। अगले हफ्ते भी जो है तो अगर ज़्यादा टेंशन हो गया या फिर एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुआ तो हम जो है तो गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली देखेंगे, और 51,000 के जो लेवल थे हमने जो मंथली चार्ट पे देखे थे 51,500 के, उन्हें टच करने के लिए गोल्ड जा सकता है एक शार्प स्पाइक के साथ। तो यहाँ दोनों तरफ के रिस्क है, मगर मोस्टली गोल्ड जो है तो यहाँ से हमें रैली करते हुए दिखेगा, और यहाँ जो है तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी अगले वीक के लिए वो रहेगी बाय ऑन डिप्स। हम एक्युमुलेट करेंगे नीचे के लेवल पे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 48,200 के नीचे, और हम जो एक्युमुलेट करेंगे 48,500 से लेकर 900 के बीच में एक्युमुलेट करेंगे 200 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 49,550, उसके बाद में 50,900 के टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए हम पकड़ के चलेंगे। तो यह अच्छा खासा गेंस दिखाई दे सकते हैं, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस वीक जो है तो गोल्ड ने गेन दिखाया है लगभग 2.5% के, तो 1200 रुपये ऑलरेडी हम ट्रेड कर गेन कर चुके हैं। लास्ट वीक हमने 313 रुपये का गेन देखा था लगभग 0.6%, और उसको ही फॉलोअप बाइंग करके हमने जो है तो गेन बढ़ाया है। और यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे गोल्ड का जो प्राइस पैटर्न दिख रहा है वो बहुत ही बुलिश है, और मुझे लगता है
कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गोल्ड में, जो ले जिसके टारगेट है 50,950, और उसके बाद में अगर खूब ज़्यादा टेंशन हो गया या फिर वॉर ज़्यादा दिन तक चला तो हम 52,800 के लेवल भी देख सकते हैं, और अगर ये जो है तो बहुत लंबा खींचा तो हम गोल्ड में लगभग 55,000 के भी लेवल, 55,000 टू 56,000 के भी लेवल देख सकते हैं। वो वॉर कितनी देर तक चलता है और रिस्क कितनी देर तक रहता है उस पर डिपेंड करेगा। और अभी जो है तो जिस तरह से इन्फ्लेशन में स्पाइक आ चुके हैं तो उसकी वजह से भी गोल्ड को जो है तो वो सपोर्टिव है, उसके वजह से भी गोल्ड जो है तो रैली कर सकता है। तो यहाँ गोल्ड के लिए जो है तो डबल बोनस है, एक तो मार्केट स्टॉक मार्केट में रिस्क ऑफ ट्रेड, गोल्ड के लिए रिस्क ऑन ट्रेड ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो यह बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रखना चाहिए और आपको जो है तो गोल्ड में अच्छे खासे लेवल आते हुए देखेंगे। और यहाँ जो है तो टेक्निकली भी हम बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट प्राइस पैटर्न है। और यहाँ जो है तो मेजर चार्ट पे बाय सिग्नल है, तो हम लॉन्ग साइड ही जाना पसंद करेंगे, मगर रिस्क रहेगा क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपकी अगले वीक के लिए काम आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।